जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसकी जो टिकट की दावेदारी के लिए जो चर्चा चली हुई है उसके विषय में सर हम कुछ बताएंगे। देखिए जब भी चुनाव आते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं टिकट के तलबदार होते हैं, और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब चुनाव होते हैं तो जो चाहवान होते हैं, जो काम फील्ड में कर रहे होते हैं, वो अप्लाई भी करते हैं और इच्छा भी रखते हैं। और इसी उसी कड़ी में आज पूरे देश में जहाँ पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो काम करना उन्होंने शुरू किया है, और हमीरपुर पार्लियामेंट भी उसका हिस्सा है। यहाँ भी कई लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और लोग काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए सारे फील्ड में निकले हैं। सर सुजानपुर में जो विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं उसके बारे में सर आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल, सुजानपुर में जब से ये नई सरकार आई है जितने काम हमने शुरू किए थे अपनी सरकार में वो सारे के सारे इन्होंने रोक दिए हैं, और मुझे लगता है कि सुजानपुर की जो जनता है ये बड़ी बारीकी से इस बात को जो है वो देख रही है, और आने वाला पार्लियामेंट का जो चुनाव है इसमें सुजानपुर की जनता जो है वो माकूल जवाब देगी, क्योंकि केंद्र में जो मोदी सरकार है इसने 2014 में देश की जनता के साथ जो झूठ बोला, जो सब्जबाज दिखाए, और आज जो है सुजानपुर में काम पिछले 10-11 महीने से जो जिस तरीके से रोक दिए गए हैं, सुजानपुर में टाउन हॉल बनाने के लिए 75 लाख रुपया पिछली सरकार में हमने प्रयास किया और राजा वीरभद्र जी ने आशीर्वाद दिया, वो काम इन्होंने नहीं होने दिया, और आज जमीन ये नहीं दे रहे हैं। अगर सुजानपुर में रैन बसेरा बन सकता है, सेक्रेट बन सकता है, पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग बन सकती है, तो वहां पर टाउन हॉल क्यों नहीं बन सकता है? इसलिए कहीं ना कहीं जो दबाव अधिकारियों के ऊपर बनाया जा रहा है कि काम रुके जाए, मैंने एमएलए लेट से बहुत सारा पैसा दिया, वो काम भी ठंडे बस्ते में डाले जा रहे हैं, ये सारे लोग देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि सुजानपुर की जनता ने हमारे ऊपर जो विश्वास किया है कमी पेशी रहेगी, तो आने वाले 4 साल के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी और सुजानपुर की जनता का पिछला अगला आने वाले 30 साल का कर्जा जो है, और वो है जिसको कहते हैं कि सूद समेत जो है और मूल भी जो है वो लुटाया जाएगा। सर जो सुजानपुर का मुख्य बस स्टैंड है सर, उसके ऊपर जो चर्चा आपके कार्यकाल में चली हुई थी, तो आज वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई सर, तो वहां पे दुर्घटनाओं का भी न्योता बस स्टैंड में मिल रहा है, पर इसके ऊपर कोई कार्रवाई? मैंने अपनी सरकार में डोली में जमीन जो उपलब्ध करवा दी थी, और मैंने ये कहा था कि बसें वहां खड़ी हों जो लंबे समय तक खड़ी होती हैं, और जो बसों की सवारियां बेशक यहाँ आए, बसें आए, सवारियों को लेके जाएं, सवारियों को यहां उतारें, और ज्यादा जो है वो यहां पर भीड़ ना हो। जो रात को बसें खड़ी होती हैं, दिन में भी 2-2 घंटे बसें खड़ी रहती हैं, ज्यादा लंबी पार्किंग जो है वो जो है वहां पर जो है डोली में की जाए, ताकि यहाँ भीड़ ना हो, सवारियां उतारे भी यहाँ, सवारियां लेके भी यहाँ से जाएं, और 5 मिनट से ज्यादा बस ना खड़ी हो, ताकि यहाँ पर जो है लोग जो है रुके रहे। जी सर, जो राजस्थान जो अदर्स आपके स्टेट्स में जीत कांग्रेस की हुई है, तो आने वाले लोकसभा चुनावों में हिमाचल भी ताजपोशी करेगा कांग्रेस की, क्या लगता है सर आपको? देखिए जो पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है, और अभी जो 3 राज्यों नहीं बल्कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो सुपड़ा है वो पूरी तरह साफ हुआ है। देश की जनता की जो मन है वो पूरी तरह बन चुका है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश की जनता के साथ बहुत सारे छलावे किए हैं, झूठ बोला है, और इस झूठ को जनता जो है वो समझ गई है, और 2019 में जो चुनाव आ रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सुपड़ा साफ होगा, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चारों की चारों सीटें जीतने जा रही है। सर किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे 2019 के चुनावों के लिए? 2019 में बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और 15 लाख रुपए का उन्होंने वायदा किया था वो मुद्दा है, इसके अलावा महंगाई वाला इशू है, गैस के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। और आप ये देखिए कि 2019 के जो चुनाव हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने चुनावों से पहले ये कहा कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग जो होगी उसमें किसानों का जो कर्जा है वो माफ कर दिया जाएगा, वो नहीं हुआ, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, और जहाँ हमने किसानों का कर्जा माफ करने का वायदा किया था विद इन 2-4 घंटों में वो फाइल साइन करके कर्जा माफ कर दिया। तो ऐसे नरेंद्र मोदी भी कर सकते थे, आज 4.5 साल गुजर गए, किसान कर्जे में दबे और बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या करी,
तो इससे बचाया जा सकता था। नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि अगर उन्होंने वायदा किया था तो उसको पूरा करते। आज देश का किसान, देश का आम आदमी पूरी तरह समझ चुका है। थैंक यू।